रोहन नैन, आपको बहुत बहुत बधाई, मैनी मैनी कॉन्ग्रेट्स फॉर योर गुड सिलेक्शन इन द पीएचडी प्रोग्राम इन फिजिक्स मेजर इन द यूएस विद फुल स्कॉलरशिप। यस, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सो आई मीन यू हैव बीन इन टच विद मी आई मीन फॉर लाइक ऑलमोस्ट 1 ईयर आई वुड से, राइट? यस सर, वी मेंटर्ड यू इन एन अ गुड वे आई वुड से, सो दैट यू हैव दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। सो लेट्स बिगन दिस डिस्कशन, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। So, I am Rohan. I am from Hisar and I have done recently my master's and bachelor's from Guru Jambeshwar University of Science and Technology, Hisar. And after that, I came in contact with Dr. Narendra Parmar, sir, and he guided me through all the process that it requires to apply for a PhD program in the US. And now I got admit from University of Tennessee at Knoxville. So, I will be joining that program in this fall, 2023. आपने जैसे बताया, आई थिंक यू डिड BS MS डिग्री, यस यस सर, राइट? कब शुरू की और कब खत्म किया, क्या ग्रेड्स रहे, क्या आपने, आई थिंक यू आल्सो हैव अ गुड अमाउंट ऑफ रिसर्च एक्सपीरियंस आल्सो, थोड़ा यस बताइए यस डिटेल में। यस सर। तो सर ये मेरी 2017 में स्टार्ट हुई सर, BSc और MSc ड्यूल डिग्री प्रोग्राम है सर ये। उस टाइम एक ही तो साल हुआ था आए हुए, इसका एक ईयर एडमिशन क्या बैक। प्रोसेस रहता है? एंट्रेंस टेस्ट होता है सर, एंट्रेंस टेस्ट अराउंड 2500। मेरे टाइम में अबाउट 3000 स्टूडेंट्स ने एंट्रेंस टेस्ट दिया था और अबाउट 35 सीट थी सर, फिजिक्स ऑनर्स। यस सर, तो उसमें फिर मेरा एडमिशन हुआ और फिर मैंने BSc की सर। यहाँ से BSc में मेरे ग्रेड्स थे 8.49 आउट ऑफ 10, और MSc में मेरे ग्रेड्स थे 8.67 आउट ऑफ 10। ओके यस सर, क्या तो क्लास रैंक रिसर्च थी? क्लास BSc में सेकंड थी सर और MSc में फर्स्ट थी सर। वेरी नाइस, बहुत बहुत बधाई आप। मान लो कोई ऐसे डुअल डिग्री है, समवन वाना जस्ट टेक आउट BSc एंड मूव आउट टू सम अदर प्लेस, इज इट पॉसिबल? यस सर, यस सर, ही कैन मूव सर। व्हाट अबाउट तो योर रिसर्च? इंटीग्रेटेड में होता है कि आपको एक DMC मिलती है लास्ट में इकट्ठी BSc और MSc की। ड्यूल डिग्री प्रोग्राम में आप बीच में छोड़ सकते हो सर। टॉक अबाउट योर रिसर्च एक्सपोजर। यस सर, सो इन माय मास्टर्स आई हैड रिसर्च एक्सपोजर। आई स्टार्टेड विद रिसर्च इन सिमुलेशंस इन न्यूक्लियर फिजिक्स। आफ्टर दैट आई also researched in another I did another project in simulations in quantum in computational computational physics using some programming languages, and after that I got exposure of material science as well. Okay, I did about 5 projects in my master's. Yeah, I did a lot of projects. I think you Yes sir. like research, that what I Yes sir. assume the way you presented yourself. Yes so, बेसिकली पीएचडी में किस टॉपिक पे रिसर्च इंटरेस्ट है तुम्हारा मेजरली? सर, मटेरियल साइंस में और क्वांटम मटेरियल्स को और डिस्कवर करना सर, इसके प्रोबिंग इनटू द मटेरियल्स इसमें है सर। व्हाट यू वांट टू डू? यस जीजे जीयूएसटी से बहुत और भी स्टूडेंट रहे हैं जो यूएस गए यस हमारे गाइडेंस में, तो हाउ डिड यू गेट टू नो अबाउट अस? यस तो सर मैं मतलब भी चाहता था पहले से ही, BSc में सोच रखा था मैंने कि मेरे को जाना तो है, लेकिन ये पता नहीं था कि कैसे गाइडेंस वगैरह कैसे होगा। तो फिर शिवम का पता चला मुझे कि शिवम ने, हमारा सीनियर था सर शिवम, अच्छा, तो शिवम ने शिवम किया कितने है साल तो सीनियर थे? एक ही साल सीनियर था सर बस। 1 ईयर। ओके यस सर, तो फिर शिवम का मैंने देखा कि उसने किया है, तो फिर मैंने उससे पूछा, तो उसने बताया कि आप करवाते हो। तो फिर मैंने गोविंदा सर से भी बात की, गोविंदा सर ने ही बताया। तो फिर सर 5 सितंबर को, मेरे को डेट याद है सर, फिफ्थ अच्छा, सितंबर टीचर्स डे था सर, उस दिन ज्वाइन किया था सर मैंने 5 सितंबर 2022। बाईस को। यस जीजे यूएसटी से आई थिंक एक और स्टूडेंट रही केमिस्ट्री से, अनु कौन है सर, थी? हाँ अनुया, या अनु, नोएडा अनु, यस में आजकल। यस यस, यस सर, तो कोई दिक्कत तो थी नहीं? आई मीन वंस रिकमेंडेड देन यू हैव नो यस यस डाउट्स कि चलो नो चलो नो नो सर डाउट, के पास चलते यस हैं और इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं, विच वॉज यस अ सर, गुड बिल्कुल डिसीजन आई वुड से। तो आपने यस इस जर्नी में कौन कौन से एग्जाम्स दिए एप्लीकेशंस यूएस के भरने के लिए? सर। मैंने GRE तो जैसे वेव डॉफ्ट था ही सर, तो मैंने यस सिर्फ टॉफल दिया सर, ओके, क्या स्कोर रहा अगस्त में आपका टॉफल टॉफल में सर 96 रहा सर मेरा में? आउट गुड ऑफ।
और कैसे तैयारी करी आपने टॉफिल की? सर खुद ने ही जैसे यूट्यूब पे वीडियोस देखी, और सर सब कुछ है, मतलब कि आप देख सकते हो, खुद भी गाइडेंस ले सकते हो, यस यूट्यूब पे सब लेक्चर्स हैं और मटेरियल्स हैं, बुक्स हैं और सैम्पल पेपर्स हैं सर, वो भी डाउनलोड कर सकते हो, तो वो हो यस जाता है सर, वो तो ईजी है। कोई मान लो कोई पूछे आपसे, कोई आए कि सर मुझे रोहन बताओ कि कैसे तैयारी करूं, तो क्या टिप्स दोगे आप? सर टिप्स ये हैं कि ज़्यादातर क्या होता है कि हमारे इंडियन स्टूडेंट्स को इंग्लिश लिखनी भी आती है और समझ पढ़नी भी आती है, हाँ सही सुननी बात, भी आती है, लेकिन बात क्या होती है बोलने की। तो सर मैं सिर्फ यही सजेशन दूंगा कि आप बस ट्राई टू स्पीक मोर एंड मोर, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा बोलने की कोशिश करो और इस फियर से आओ, बाहर आओ कि इंग्लिश मुश्किल है और नहीं आएगी, तो इट्स एन ओके ईजी, इट्स वेरी इजी सर। ओके। तो आप कह रहे हैं कि इट इज नॉट अ बिग डील, यस सर, नॉट बिग। 90 अबव स्कोर। आपकी फैमिली में कौन कौन है, क्वेश्चन? तो सर मेरी फैमिली में सर मेरे दादाजी हैं, मेरा छोटा भाई है, मेरी मम्मी हैं और मेरे पापा जी। दे आर यस हैप्पी नाउ दैट यू आर गोइंग टू यस सर, यस पीएचडी दे आर वेरी हैप्पी। प्रोग्राम, बट दे वांट टू। यस ऑलराइट, आपने जब यूएस एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू हुआ कितनी जगह अप्लाई किया और कहाँ से सिलेक्शन आए, जरा बताइए। सर, मैंने 6 to 7 जगह अप्लाई किया सर, और मेरा इंटरव्यू आया सर 2 जगह से, और फिर अभी 1 जगह रहती है, और एडमिट सर मेरा यूनिवर्सिटी ऑफ टेनेसी नॉक्सविल से आया सर। टू चेक माई ऑफर लेटर गो एट letsdogre.com। तो टेल अस अबाउट क्या स्कॉलरशिप रही, क्या स्टाइपेंड है आपका सो टेनिसी में? सर स्कॉलरशिप तो सर सारा, मतलब कि सब कुछ वेव्ड ऑफ है, ट्यूशन फीस वेव्ड ऑफ है, हेल्थ इंश्योरेंस, और जो स्टाइफंड है वो है $2,041 पर मंथ का सर, ओके, विच इज गुड 12 गुड मंथ्स के लिए। यस, विच कवर्स आई थिंक ऑल द लिविंग एक्सपेंसेस यू गोना हैव, हाफ यस सर, ऑफ इट एवरीथिंग, इवन दी 40%। ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस सर। यस यस, तो जब पहला ऑफर आया, आई कीप आस्किंग दिस क्वेश्चन, कैसा महसूस हुआ कि कुछ पहले का जो एक्सप्रेशंस हैं, आई थिंक इमोशंस रहते हैं जो कभी जिंदगी यस में भूलते नहीं हैं। सर, वो क्या हुआ कि मैंने देखा ही नहीं, वो मेरे छोटे भाई ने देखा सर, वो शाम को, अच्छा तो अच्छा मेरे को, मैं जब सुबह देखा, मैंने ईमेल चेक किया, तो ईमेल मेरे को लगा कि ये तो पहले दिखा हुआ, किसी ने खोला है, तो अच्छा मैं नीचे गया फिर मैं उसके पास, तो उसने उसने बताया बताया, नहीं, उसने बताया नहीं सर, वो इतना एक्साइटेड ही नहीं हुआ, देखो उसको पता था कि क्या देखा क्या नहीं देखा। उसने खोल के भी देख लिया था सर, एडमिट लेटर भी देख लिया था उसने, फिर उसने बताया कि देख ले क्या आया होगा, उसने मेरे को एक बार भी इंट नहीं किया कि एक्सेप्टेंस आया हुआ है फिर इट्स मैंने वेरी देखा सर, फिर मतलब फिर यूं हुआ कि हाँ भाई आया हुआ है सच में, और फिर फनी। मेरे दादाजी को बताया और फिर सब फिर खुश हुए सर। यस, सो दैट्स द वे इट इज। यस और कहाँ कहाँ आपने अप्लाई किया था जहां से अभी तक, मतलब सिलेक्शंस नहीं आए, दैट्स ओके। यस तो यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा में किया था सर मैंने, और यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन का रहता है सर, अभी कुछ नहीं आया अभी तक, और यूटा, यूनिवर्सिटी ऑफ यूटा में किया था सर अप्लाई। ओके, कहाँ से यस आपका इंटरव्यू हुआ था? यूनिवर्सिटी ऑफ यूटा से हुआ था सर, और यूनिवर्सिटी टेनेसी नॉक्सविल से हुआ था सर। क्या क्वेश्चंस थे, कुछ आइडिया देंगे, बताएंगे? सर क्वेश्चंस मतलब कि यूं कोई टिपिकल फिजिक्स के क्वेश्चंस नहीं थे, सिर्फ जनरल क्वेश्चंस थे कि व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन दिस प्रोग्राम एट अवर यूनिवर्सिटी, एंड व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन द फ्यूचर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर पीएचडी, सो दैट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन सर। काइंड ऑफ एसओपी क्वेश्चंस। यस सर, काइंड ऑफ एसओपी क्वेश्चन। यस, आई एग्री। सो दिस काइंड ऑफ डिस्कशन दे वांट टू नो व्हेदर यू कैन स्पीक इंग्लिश, व्हाट मोटिवेशन यस सर, यस यू हैव, सो देवर दैट द For international students, it's different parameter to check them out, that they can speak यस in English. The TOEFL score is यस okay, but if they can speak in English, that's all right. Yeah, that's all right. Very true. I agree. Being a mentor, I mean, I've been in touch with you mentoring the last few months. What was our role in grooming you to get you to this kind of success? यस सर, तो सर फर्स्टली आपने सर सीवी के लिए भेजा मेरे पास, सीवी सैंपल भेजा, और आपने बताया, गाइड किया मेरे को कि कैसे कैसे सीवी प्रिपेयर करना है, और क्वेश्चन एयर भेजा सर आपने एसओपी के लिए, पर्सनल स्टेटमेंट के लिए, फिर मैंने क्वेश्चन एयर के आंसर दिए आपको, फिर सेंड किए, और फिर सीवी सेंड किया आपने, सीवी रिव्यू किया,
सीवी बताया ठीक है कैसे है, फिर मैंने उसको जो चेंजेस आपने बताया वो नेसेसरी चेंजेस किए, और उसके बाद फिर आपने यूनिवर्सिटी शॉर्ट लिस्टिंग दी सर मेरे को, 12 यूनिवर्सिटीज दी थी आपने मेरे को शॉर्ट लिस्ट करके मेरी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, और फिर मैंने अप्लाई किया सर 7 यूनिवर्सिटीज के अंदर, और एप्लीकेशन प्रोसेस में भी आपने हेल्प की सर, की कोई भी डाउट होता सिर्फ आपसे पूछ लेता सर मैं कि सर ये कैसे करना है, इसमें क्या क्या भरना है, इसमें क्या भरना है, तो आप बता देते हैं सर, एक हेल्पिंग हैंड रहा सर साथ में हमेशा। और फिर इंटरव्यू की आया सर, जब भी आपने बताया कि क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल होंगे तुम ऐसे टेंशन मत लो कि आसान ही होगा, तो फिर आपसे बात करने के बाद कॉन्फिडेंस आ गया सर, तो फिर ठीक रहा सर। या मेंटरशिप जरूरी है। एसओपी का रोल क्या समझते हैं आप इस स्कॉलरशिप एडमिशन प्रोसेस में? एसओपी का रोल सर बहुत मेन है सर, एसओपी का रोल मतलब कि लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन भी होते हैं, लेकिन एसओपी आपको उनको ये एकेडमिक कमेटी को ये बताती है कि आप कैसे पर्सन हो और आप क्या करना चाहते हो, और उन यूनिवर्सिटी को क्या फायदा होगा अगर आपके अंदर वो इतनी फंडिंग देंगे तो आपको एडमिशन, आपकी ट्रू सेल्फ का पता चलता है सर एकेडमिक कमेटी को। ट्रू, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कैसे आपके ऊपर 2 से 3 करोड़ रुपए लगाए जाए, राइट? यस सर, यस इस काइंड ऑफ अ मिनी बायोग्राफी, आई कॉल यस दैट। मिनी बात, यस सर, यस, इट्स काइंड ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट एंड व्हिच इज ट्रूथफुल। आई मीन बेस्ड ऑन यस योर एकेडमिक्स, योर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, द ड्राफ्ट इज जस्ट ट्रूली यूनिक इट रिप्रेजेंट। फॉर एग्जाम्पल रोहन, यस सर, अभी आपका I-20 ऑलरेडी आ चुका है एंड यस यू हैव सर, यस फिल्ड DS-160 160, recently with a यस before me and we have assisted you in that purpose and also I think जैसे ही आपका स्लॉट मिल जाएंगे, अभी स्लॉट्स ओपन नहीं है, we will help you यस through the various mocks सर, ताकि कोई दिक्कत ना यस हो वीजा को मिलने में। we have I mean anyways 100% track record, so you don't have to worry about it। कुछ मैसेज देना चाहेंगे बहुत सारे एस्पिरेंट्स, जैसे आप थे पिछले साल एस्पिरेंट्स, और भी होंगे। यस सर, सर मैसेज ये है कि जैसे नॉर्दर्न पार्ट्स में कहूँगा मैं, मोस्टली मोस्टली कह रहा हूँ कि जब कोई भी स्टूडेंट अपनी 12th करके निकलता है तो उसके सामने सिर्फ दो ही, अगर वो मेडिकल नॉन मेडिकल से है तो दो ही उसके आगे स्कोप होते हैं कि या तो वो नीट का पेपर दे या फिर वो JEE करे, मतलब कि कोई रिसर्च के बारे में उसके पास स्कोप नहीं होता। लेकिन अब हमें ये उनको ये पता होना चाहिए कि रिसर्च भी एक एरिया है जिसके अंदर जिसके वो बैचलर्स ऑफ साइंस कर सकता है, मास्टर ऑफ साइंस कर सकता है और फिर PhD कर सकते हैं, रिसर्च के अंदर भी एक बहुत अच्छा स्कोप है सर। सो वन एनकरेज, तो इस बहुत जरूरी है। आई यस सर, वुड से दैट कि बहुत सारे बच्चे जो साइंसेस, उनको पता नहीं है कि वो क्या कर सकते हैं। यही मुहिम थी कि आई सॉ नंबर ऑफ स्टूडेंट स्ट्रगलिंग नेट JRF, उनको पता नहीं है कि क्या करें, इसीलिए हमने इस अपने मेंटरशिप प्रोग्राम लेट टू JRE की स्थापना की थी। यही मेन रीजन यस था। अरोहन, यस एक और क्वेश्चन है कि एक्सपेंसेस, जब से आप जुड़े और अभी तक आपका एडमिट आए, और यस क्या सर, सब एक्सपेंस रहा? सर एक्सपेंसेस कुछ ऐसे थे जैसे कुछ 15 to 16 thousand तो सर टोफल की फीस थी सर, और आपकी फीस थी सर अबाउट 1 lakh, और फिर यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया तो अबाउट 50,000 यूनिवर्सिटीज की एप्लीकेशन फी थी सर, और फिर उसके बाद एडमिट आया अब I-20 वगैरह लिया तो जो DS-160, एडमिट तक 2 लाख मान लो, यस सर 2 lakh सर, 2 lakh उसके मान लो, बाद अभी उसके बाद सर 15,000 वीजा फीस थी, 30,000 सेविस फीस थी, तो सर मतलब कि 2.5 लाख कुछ है सर, 2 लाख का टू पॉइंट एक्सपेंस, फाइव तक सर। इतना तो आपकी मंथली स्टाइपेंड ही होगा, सो नथिंग यस टू सर, वरी। यस एंड प्लस ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर यस सम। सर, यस बहुत बहुत बधाई एक बार फिर से रोहन, थैंक यू एंड सर, बहुत आपने मेहनत की, ऑब्वियसली हमारी मेंटरशिप भी रही है, यू आर ऑन द वे ऑलमोस्ट, एंड थैंक यू सो मच। टेक थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू टू यू केयर, सर, कनेक्ट सून। थैंक यू, बाय सर।